आपको क्लास 10 के सब्जेक्ट इंग्लिश में पोएट्री के अंतर्गत पोएम नंबर 2 पढ़ा रहा हूं। पोएम नंबर 2 है आपकी द साम ऑफ लाइफ, द साम ऑफ लाइफ, जिसके पोएट हैं एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो, जिसके पोएट हैं एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो। द साम ऑफ लाइफ, जीवन का स्तुति गान, जीवन का स्तुति गान, जो उसका जो मीनिंग है यानी जीवन का गान, जीवन का क्या गाना है, उसके क्या उद्देश्य है, इस कविता में लॉन्ग फेलो बताने जा रहे हैं। ठीक है, हम पहले स्टैंजा शुरू करते हैं। जो आपका फर्स्ट स्टैंजा हुई है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज आवर गेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट टू आर टू डस्ट रिटनेस वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। यानी पहले स्टैंजा में पोएट तो कहते हैं कि जीवन वास्तविक है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए, जीवन वास्तविक है इसे गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरा, और केवल मर जाना ही हमारी अंतिम इच्छा नहीं होनी चाहिए, यानी जो मर जाना ही हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि जो आया है उसको एक दिन मृत्यु के मुंह में जाना है। लेकिन इसके बावजूद हम जिस काम के लिए मानव रूप में आए हैं, हमें अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। डस्ट टू आर्ट टू डस्ट रिटनेस वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यानी ये मिट्टी का पुतला है और इसको एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। मानव शरीर है, मिट्टी का पुतला है और उसे मिट्टी में ही मिल जाना है, लेकिन ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई, लेकिन ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। ठीक है, चलिए अगला श्लोक देखते हैं। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज अवर डेस्टिन एंड अवर वे, बट टू एक्ट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, फाइंड अस फर्दर देन टुडे। सेकंड स्टेज है नॉट एंजॉयमेंट नॉट सोरो, यानी हमारा ये कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं है कि हम केवल आनंद लेंगे, दुखियों में जीवन भी बिताएंगे और मृत्यु के मुंह में चले जाएंगे, ये हमारा कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य नहीं है। हमें अपने जीवन में सतत प्रयास करते रहने चाहिए, या हमें इस जीवन में सतत प्रयास करते रहने होंगे, तभी हम इस जीवन की वास्तविकता को सार्थक कर पाएंगे। इस जीवन की जो सार्थकता है उसको हम सार्थकता कर पाएंगे, या जो जीवन का उद्देश्य है हम उसको पा पाएंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप देख लीजिएगा। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विवॉक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक द कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। यानी जो थर्ड स्टैंजा है आपके पोएम का, उसमें वो कवि कहते हैं कि जीवन क्षणिक भंगुर है, यानी जीवन का कुछ अता पता नहीं कब जीवन हमारा समाप्त हो जाए, कब हमारा जीवन समाप्त हो जाए, और इसके बारे में कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। जीवन क्या है? संघर्षों से भरा हुआ है, और ये एक युद्ध क्षेत्र है। ये क्या है? युद्ध क्षेत्र है, और मानव ही इसका, जो भगवान की सर्वोत्तम कृति है, इसका हीरो है, इसका अभिनेता है, वो अपने हिसाब से इस जीवन को सही तरीके से जी सकता है। एक लाइन देखती है, वी नॉट लाइक डम एंड ड्राइवर कैटल, यानी कि हम मनुष्य हैं, हमें जानवरों की तरह, हमें गाय भैंस, हमें भेड़ बकरी की तरह नहीं चलना है, कि जिस तरफ एक तरफ पशु चलने लगते हैं उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है, तो हमें इस तरीके से जानवरों की बात अपना जीवन नहीं जीना है। हम मनुष्य हैं, सर्वोत्तम कृति हैं, और हमें अपने जो जीवन है हमारा उसके जो सार्थक उद्देश्य हैं उसको पाने के लिए हमेशा कर्तव्य करते रहने होंगे, कर्तव्य करते रहने चाहिए, क्योंकि हम ही जीवन के वास्ते क्या है? हीरो हैं, अभिनेता हैं, हीरो हैं या क्या है? अभिनेता। ठीक है, लास्ट से देखिएगा, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, लेट अस बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग स्टिल
परसुइंग लर्न टू लेवर एंड टू वेट, लर्न टू लेवर एंड टू वेट। लास्ट स्टैंजा में लेट अस देन बी अपेंड टू यू, यानी आओ कवर कर लें, यानी कभी कहता है तभी स्टैंजा के माध्यम से सीख देना चाहता है, हे मानव खड़ा हो अपनी कमर कस और तेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए उनका डटकर मुकाबला कर, उनका डटकर मुकाबला करो, तभी आप इस जीवन को जी पाओगे, अच्छी तरीके से जी पाओगे। स्टिल परसुइंग, स्टिल अचीविंग, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, यानी लगातार लगातार प्राप्त करने की इच्छा रखो, लगातार प्राप्त करने की इच्छा रखो और उसी रास्ते पर चलते रहो, कठिन परिश्रम करते रहो लेकिन निष्फल होकर परिश्रम करो, लेकिन निष्फल होकर परिश्रम करो। इसका मतलब यह हुआ कि कभी नौजवानों से कहना चाहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, आपको यहां बने रहने के लिए डटकर मुकाबला करना होगा, हर मुसीबत से आपको निकलने का रास्ता खुद ढूंढना होगा और कर्म करते रहो, निष्फल कर्म करते रहो, यानी फल की इच्छा मत करो, क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करते जाएंगे, सत्कर्म करते जाएंगे तो निश्चय ही आपको अच्छे फल जीवन में प्राप्त होंगे। यही इस कविता का सार है।